वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम NCERT के ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक ह्यूमन के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? 206। ठीक है, ये तो पता था। एक बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? करीब करीब 300 हड्डियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? उसका नाम होता है फीमर। क्या? फीमर यानी कि थाई बोन, यानी हमारी जो जांग होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है? जांग वाली हड्डी का नाम फीमर। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। क्या नाम है? स्टेपिस। कहाँ होती है? कान के अंदर होती है। कहाँ? हमारे ईयर्स में। ठीक, आगे चलते हैं। बोन्स किससे बनी होती हैं? बोन्स किससे बनी होती हैं? बोन्स हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं। कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में है, आपकी डेली फूड में। फॉस्फोरस के लिए एक तो नॉन वेज है और आपके बीन्स वगैरह। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। स्कल, हमारी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? अगर पूछा जाता है टोटल बोन्स तो 22 होती हैं, जिसमें से 8 बोन्स होती हैं हमारी खोपड़ी में। ठीक है, और 14 बोन्स होती हैं हमारे चेहरे के ऊपर। ठीक है, और पूरी हमारी जो स्कल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी बोन होती है जो हिल सकती है अपनी जगह पे। उसका नाम क्या है? लोअर जॉ, यानी कि ये नीचे वाला जबड़ा। ठीक है ना, बस यही है जो हिल सकता है, बाकी कोई भी हड्डी हिल नहीं सकती, बाकी सारी हड्डियाँ इमूवेबल हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। बैकबोन, बैकबोन की दूसरा नाम क्या है? स्पाइन। ठीक, हमारी जो बैकबोन दिखा रखी है इसके अंदर ये छोटी छोटी जो ये कॉलम्स जो बनी है इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। ये टोटल 33 वर्टिब्रल कॉलम से मिलके बनी होती है। तो अगर सवाल आता है कि टोटल इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स कितनी होती हैं? 33। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। रिब केज, ये है हमारी जो छाती होती है इसको क्या कहते हैं? रिब केज। ठीक है, इसमें 12 पेयर्स ईच साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड की 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि 12 इसकी 12 इसकी, तो 12 और 12 24। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं हमारी रिब केज में? 24। कितनी? 24। ठीक है, और ये जो रिब केज होती है ये हमारी आगे से घूम के जाती है और पीछे जा कर के बैकबोन से जुड़ जाती है। तो जो आगे वाली हड्डी है ये जो ये सेंटर में है, इसका क्या नाम है? स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। ठीक, और पीछे वाली का क्या नाम है? बैकबोन। क्या नाम है? बैकबोन। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि हमारे कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। किसको? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। लिम्स एंड गर्डल्स, ठीक है ना, हमारे शरीर में कितने लिम्स हैं? दो पेयर होते हैं लिम्स के, एक होता है फोर लिम्स यानी हाथ, ये जो है, ठीक है ना, ये टू पेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और दो पैर, ये चारों मिला के क्या हो गया? टू पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी कि ऊपर के दोनों मिला करके, ऊपर के दोनों मिला के क्या हो गए? लिम्स हो गए। हाथ और ऊपर के दो हाथ फोर लिम्स, नीचे के दोनों पैर हैंड लिम्स। ठीक है ना, ये हो गए हमारे हैंड लिम्स और ये हाथ दोनों हो गए फोर लिम्स। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं गर्डल्स। गर्डल्स होते हैं हमारे शरीर में कितने? दो गर्डल्स होते हैं। कितने होते हैं? टू गर्डल्स। गर्डल्स एक होता है
पेक्टोरल गर्डल जो कि कहाँ है, कंधे में ये दिख रखा है, और दूसरा पेल्विक गर्डल जो हमारे हिप वाली जो बोन्स होती हैं उसमें होता है, ठीक है। इनका काम ये होता है कि ये मूवमेंट देते हैं सारे डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी हड्डियाँ, बहुत सारी हड्डियाँ हमारी कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, ठीक है। और जो हड्डियाँ खोखली होती हैं वो किससे भरी होती हैं, एक जेली लाइक सब्सटेंस उसके अंदर भरा होता है जिसका नाम होता है बोन मैरो, हिंदी में उसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, हमारा जो हमारा खून होता है लाल रंग का रेड ब्लड सेल, वो हमारा बोन मैरो में ही बनता है, यानी कि हड्डियों के बीच में, ठीक है। ये भी लिखा हुआ भी है, बोन ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारे शरीर के जॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जॉइंट्स कितने होते हैं, जॉइंट्स बेसिकली हमारी बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इमूवेबल, ऐसे जॉइंट्स जो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, यानी कि हमारे शरीर में सारी हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं मूवमेंट को, सिर्फ एक जो हमारा स्कल होता है वो उसमें जो हड्डियाँ लगी होती हैं उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के। और जो मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मोशन देते हैं, ठीक है, जैसे कि पिवट जॉइंट, यानी कि जो गर्दन की हड्डी होती है इसको पिवट जॉइंट कहते हैं, यानी कि हमारी गर्दन यहाँ पे पिवट जॉइंट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आपने देखा होगा कि जो पहले जॉयस्टिक वाले गेम चलते थे उनको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते थे, उसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हिप बोन्स में और शोल्डर्स में, ठीक है ना, यानी कि यहाँ कंधे में और हिप्स वाली जगह पर, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। हिंज, हिंज जॉइंट कौन से होते हैं, एल्बो और नी, यानी कि ऐसे ऐसा जॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन देगा। आप अपने हाथ को मोड़ते हैं तो एक ही डायरेक्शन में मोड़ पाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं, जस्ट लाइक अ डोर, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं डोर एक ही तरीके का मोशन देता है, उसी तरीके से हिंज जॉइंट लगा होता है, क्योंकि उसमें हमारे हाथ और पैर में भी हिंज जॉइंट होते हैं। तो एल्बो और नीज यानी घुटने, ठीक है, एल्बो यानी कोहनी, ठीक, ध्यान रखेंगे। हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा, कोहनी और घुटनों में, ठीक। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन से होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं हमारे हाथों की कलाई यानी कि रिस्ट में, और एंकल यानी कि हमारे जहाँ पे पैर की जो पैर में एंकल होता है, जहाँ पे लेडीज़ लोग अपनी पायल बांधती हैं, वही एंकल, वो एरिया, यहाँ पे जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट आर फाउंड इन, ऐसा कौन सा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। फिक्स्ड जॉइंट्स कहाँ पे फाउंड होते हैं, ठीक है ना, कहाँ मिलते हैं, लोअर जॉ में, नहीं, लोअर जॉ तो मूव करता है, वहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। हैंड्स में भी कोई फिक्स्ड नहीं है, वहाँ पे भी मूवमेंट होता है। हिप बोन में भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी मूवमेंट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्कल, जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बर्ड्स की, बर्ड्स की मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी हड्डियां कैसी होती हैं, लाइट होती हैं, उनकी हड्डियां और कैसी होती हैं, हॉलो भी होती हैं, यानी कि अंदर से खोखली, तभी तो उनका वजन कम होता है, वो आसानी से हवा में उड़ पाती हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इन कॉकरोचेस द बॉडी पार्ट हेल्पिंग इन मूवमेंट आर, कॉकरोच को चलने में मूवमेंट करने में कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं, थ्री पेयर्स उसके क्या हैं, देखो आप फिगर में, उसके तीन पैर हैं, एक दो तीन, एक तरफ तीन पेयर हैं, दूसरी तरफ भी तीन पेयर, तो यानी कि थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, और उसके दो पंख यानी कि टू पेयर्स ऑफ विंग्स, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट है, ठीक। आगे चलते हैं,
सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन डेट आर नॉट एज अ हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट आर कॉल्ड, यानी कि हमारे शरीर के जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कि हड्डियों का जो ढांचा है उसमें एक और ऐसा पार्ट है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है ना, और वो आसानी से मुड़ भी जाता है। तो यानी कि आप इसको कौन सा ऑप्शन, आपकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं क्या? नहीं, स्केलेटन नहीं, रिबकेज नहीं, क्या? कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ पे है? हमारी कान की जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज होती है, देखिए उसे मोड़ के देखिए, ठीक है, नाक में पाई जाती है हमारी कार्टिलेज, और भी बहुत सारी जगह पाई जाती हैं, तो कार्टिलेज इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉडी शेप ऑफ अ फिश इज कॉल्ड, जो मछली का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? कार्टिलेज जैसा होता है? नहीं। स्केलेटन जैसा होता है? नहीं। रिबकेज जैसा होता है? नहीं। तो क्या होता है? स्ट्रीम लाइन, यानी वो इसका एकदम इतने, उसकी बॉडी की जो डिज़ाइन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रीम लाइन होती है कि वो पानी में कम से कम घर्षण यानी फ्रिक्शन के आराम से तेज़ी के साथ चल सके। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? स्ट्रीम लाइन। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद।